हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं ऑटो स्क्रीन ऑफ सेटिंग को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, इसके बारे में बताने वाला हूँ, और कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में ही बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये वन प्लस का फ़ोन है, और आपको सबसे पहले क्या करना है, सेटिंग पर क्लिक करना है। तो क्लिक कर लेंगे। सेटिंग पर क्लिक करते ही आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है ऑटो स्क्रीन ऑफ। तो राइट क्लिक कर देंगे इस पर, सॉरी। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। देखिए, 15 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट। जैसे कि 15 सेकंड बाद, 30 सेकंड बाद आपकी ऑटोमेटिकली स्क्रीन ऑफ हो जाती है। तो हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं यही बताने वाला हूँ। जैसे कि आप 2 मिनट का करना चाहते हैं या फिर 5 मिनट का या 10 मिनट का करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी जो स्क्रीन की टाइम आउट है वो 10 मिनट की हो जाएगी। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।